गरीब माँ बाप के शहरी बच्चे। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर अपनी हस्ती मिटाकर हमारी ख्वाहिशों की परवाह करते हैं, लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को इस सब का कोई सिला ही नहीं देते। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें माँ सरिता, बाप गिरीश और उनके चार बच्चे थे। उन बच्चों के माँ बाप गरीब थे, लेकिन वो ये सब कभी अपने बच्चों पर जाहिर नहीं करते थे, जिसकी वजह से बच्चे घमंडी हो गए। पर वो माँ बाप उनके घमंड पर ध्यान न देकर उनसे बेहद प्रेम करते थे। अरे कोमल बेटी, जरा मेरी इन बर्तनों को धोने में मदद कर दे। मम्मी, आपको पता है ना कि ये सब काम मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है, मैं ये सब नहीं करूंगी। आप मीनू को बोल दीजिए, वो आपकी हेल्प कर देगी। मुझे बोलने को मत कहो, मैंने आज ही अपने नेल्स करवाए, खराब हो जाएंगे, मैं ये सब नहीं करने वाली। अच्छा ठीक है, कोई भी मत करो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। पूजा बेचारी अकेले ही घर का सारा काम करती है और उसकी बेटियां निठल्ली पड़ी रहती हैं, लेकिन इन सब के बाद भी वो उनसे बेहद प्यार करती है। थोड़ी देर के बाद उसके बेटे भी घर आ जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। सरिता घर का सारा काम करके थक जाती है तो वे अपनी बेटियों से खाना देने को बोलती है। अरे कोमल बेटा, आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, तो जरा अपने भाइयों को खाना दे दे। मम्मी, आई एम बिजी नाउ। घर आई इतनी देर हो गई, किसी ने खाना भी नहीं दिया, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा रुक रुक, सरिता चिल्लाती रह जाती है, लेकिन रोहित वहाँ से चला जाता है। चारों भाई बहन एक कमरे में बैठे हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं। यार मेरी फूटी किस्मत, क्या हुआ ओवर एक्टिंग की दुकान, क्या होता दुनिया विदेशों की सैर कर रही है और एक हम है। मतलब ये कि इसकी फ्रेंड पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है। हाँ सच में। हाँ यार, I'm so jealous, काश मैं भी जा पाती। है, किसने कहा तू नहीं जा सकती? ये दुनिया तेरी है, तू कहीं भी जा सकती है। या मजाक चल रहा है क्या? तूने बात ही ऐसी कही बहन। But guys, मुझे ऐसा लगता है शायद हम जा सकते हैं। क्या मतलब हम हैं? मैं अपनी बात कर रही हूँ, समझा? ओ मीनू, तू चुप रह। तू बता रोहन, हम कैसे जा सकते हैं? और कैसे, अपने माँ बाप से कहेंगे? हाँ, हम उनसे कहेंगे और वो हमें विदेश भेज देंगे, है ना? डम। एटलीस्ट हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना मीनू, कोमल। हाँ चलो कोशिश करके देखते हैं। चारों भाई बहन विदेश जाने के लिए जबरदस्ती अच्छा बनने का नाटक करने का प्लान करते हैं। गिरीश जी, जो कि घर के मुखिया हैं और उन चारों बच्चों के पिता हैं, वो काम की वजह से कहीं बाहर गए होते हैं और कई दिनों के बाद घर आते हैं। अरे सरिता, कहाँ हो? मैं आ गया। अरे आप आ गए? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो अपने कमरे में हैं। चारों बच्चे अपने कमरे में मौज मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहाँ गिरीश आ जाता है। अरे यहाँ क्या चल रहा है? अरे पापा। हाँ बेटा। पापा, लगता है इन कुछ ही दिनों में तुम मुझे भूल गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब छोड़ो, पापा मेरे लिए क्या लाए हो? बेटा माफ करना, लेकिन मैं कुछ भी नहीं ला पाया। क्या, कुछ भी नहीं? हाँ बेटा कुछ नहीं, लेकिन तुम जो कहोगे मैं तुम्हें यहीं से दिला दूंगा, प्रॉमिस। गिरीश के इतना कहते ही सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आपने कहा कि हम जो मांगेंगे आप हमें वो देंगे, क्यों, है ना पापा? हाँ बेटा बिल्कुल। तो हम सभी विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए। करेक्ट, अभी आपने ही कहा था पापा, हमें तो विदेश ही जाना है। क्या? बच्चों की विदेश जाने की डिमांड को सुनकर गिरीश चिंतित हो जाता है। वो इस मामले में अपनी पत्नी सरिता को बताता है। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सरिता तुम जानती हो। क्या? यही कि हमारे बच्चे विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे ऐसा कहा है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं। अच्छा तो ये बात है, मगर आप परेशान मत होइए। अरे कैसे परेशान ना हो, मेरे पास जो कुछ जेवर हैं आप उन्हें ले लीजिए। पर कोई बात नहीं, जब मेरे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो वो ऐसे हजारों जेवर मुझे वापस दिला देंगे। अपने बच्चों की खुशी के लिए एक माँ इतना तो कर ही सकती है। सरिता शायद तुम ठीक कह रही हो, जब हमारे बच्चे कामयाब हो जाएंगे तो वो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर देंगे। अगले ही दिन गिरीश अपना घर और अपनी पत्नी के सारे जेवर गिरवी रख देता है और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की तैयारी करता है। फाइनली हम भी विदेश जा रहे हैं।
हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पर ये तो सच है। बच्चे खुशी खुशी विदेश चले जाते हैं। अपने बच्चों की विदेश जाने की खुशी को देखकर ही माँ बाप खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद बच्चे विदेश में पढ़ने लिखने के बजाय अय्याशी में अपना टाइम बिता रहे होते हैं और अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल भूल ही जाते हैं। आजी, बहुत दिन हो गए, क्या आपकी किसी बच्चे से बात हुई? नहीं, शायद वो हमें भूल गए। ऐसा नहीं है। 3 साल बाद ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं और बेचारे माँ बाप जिस पर अपना मकान गिरवी रखवाते हैं वो अपने पैसे वापस मांगने लगता है। देखो, ऐसा है, तुमने कहा था कि 3 सालों में तुम मुझे मेरा पैसा वापस कर दोगे। हमें थोड़ा सा समय और दे दीजिए, हम आपका सारा पैसा पाई पाई एक एक सूद के साथ लौटा देंगे। हाँ साहेब, बस थोड़ा सा समय। बस चुप करो दोनों, मैं अभी तुम्हें इस घर से निकालता हूँ। या तो मेरा पैसा दो या फिर दफा हो जाओ। अरे साहेब, ऐसा मत कीजिए। अरे निकल यहाँ से। अरे। दोनों माँ बाप घर को छोड़कर एक कूड़े के ढेर के पास आकर रहने लग जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके बच्चे बड़े बड़े महंगे 5-स्टार होटलों में अपना बसेरा बनाए हुए होते हैं। क्या अब भी तुम नहीं मानोगी? क्या? यही कि वो हमें पूरी तरह भूल चुके हैं। ऐसा नहीं है। सब कुछ खत्म हो जाने पर भी सरिता के अंदर की ममता खत्म नहीं होती। उस माँ को ये विश्वास था कि उसके बच्चे एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उन चारों में से किसी को भी अपने माँ बाप की हालत का अंदाजा भी नहीं होता। तभी मीनू को उसकी सहेली उसके परिवार की हालत बताती है। वाह मीनू वाह, क्या हुआ, क्यों इतनी वाह वाह कर रही हो? तुम सब भाई बहन तो यहाँ आराम से जी रहे हो और वहाँ जिन्होंने तुम्हें ये आराम की जिंदगी दी वो वहाँ खुद कचरे में रह रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है, पागल है क्या तू? पागल मैं नहीं हूँ, तू है जो कभी अपने माँ बाप को एक कॉल भी करके उनसे उनका हाल नहीं पूछती। तेरे माँ बाप की हालत के बारे में पूरा गाँव जानता है सिर्फ तुम्हें छोड़कर। ये सब बताकर मीनू की सहेली वहां से चली जाती है। मीनू के होश तूफान की तरह उड़ जाते हैं। वो मन ही मन बहुत शर्मिंदा होती है और बाकी भाई बहनों को भी इस सब के बारे में बताती है। सभी भाई बहन अपने किए पर बहुत पछतावा करते हैं और जल्दी से अपने माँ बाप के पास पहुँचने की तैयारी करते हैं। क्या अब भी तुम मानती हो कि वो हमें नहीं भूले? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। तभी वहां पर कोई आता है और वो कोई और नहीं बल्कि रोहित, रोहन, मीनू और कोमल होते हैं। हम घर आ गए। उन्हें देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। सरिता अपने चारों बच्चों को छाती से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। बच्चे अपने किए पर बहुत पछतावा करते हैं और सब कुछ पहले जैसे करने का वादा करते हैं। कुछ ही दिनों में वो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। अब उनका घमंड भी टूट गया था। लड़कियां सारा दिन अपनी माँ की मदद करती और लड़के भी अपने पिता के साथ खूब मेहनत कराते। इसी तरह वे अब खुशी खुशी रहने लगे। ऐसे ही न जाने कितने परिवार होते हैं जिनमें बच्चे अपने माँ बाप को कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन हमें हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और हमेशा उनका कहा मानना चाहिए। टूटे फूटे खटिया पर सोया हुआ जोर जोर से खास रहा था, तभी उसकी पत्नी सुभागी भागते हुए घर के अंदर आकर दरवाजा बंद करती है। उसका हाथ पांव खूनम खून हुआ था, जैसे किसी ने उसे खूब सारे पत्थर मारे हो। हे भगवान, अगर ये भीड़ ऐसे ही दरवाजा पीटती रही तो ये कमजोर किवाड़ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। काश कि हमने लोहे का दरवाजा बनवाया होता। शुभांगी के ऐसा कहते ही वो पुराना टूटा फूटा दरवाजा एक मजबूत लोहे के बड़े दरवाजे में बदल जाता है, जिसे देखकर शुभांगी और जगधर चौंक उठते हैं। तभी दरवाजे के बाहर हो रही हलचल भी शांत हो जाती है। ये कैसी जादूगरी थी, मेरे कहने भर से मेरे घर के दरवाजे का ढांचा ही बदल गया। अचानक से शुभांगी की नजर घर में लगे उस खटिये के पाए पर पड़ती है जो टूटने की कगार पर था। अरे ये खटिया तो टूटने ही पर है। शुभांगी चूल्हे के पास रखे आंच जलाने के पूले से एक बिस्तर तैयार करके जगधर को उस पर सुला देती है। तभी 5 साल की परी अपनी माँ से बोलती है। माँ माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हे भगवान, आज जलाने के लिए मैं जो सूखे पूले बटोर कर लाई थी उसका तो बिछावन बना दिया, अब कैसे जलेगा मुझ गरीब से घर का चूल्हा। ऐसा कहते हुए शुभांगी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी चूल्हा जैसे किसी जादूगरी से जल उठता है और खाना बनाने के बर्तन नाचते हुए चूल्हे पर चढ़ जाते हैं।
जिसमें से तरह तरह के पकवान तल कर बाहर बर्तन में आ जाते हैं। एक साथ इतना सारा स्वादिष्ट खाना देख कर परी ललच कर खाने पर लपक पड़ती है। देखो माँ, ये चूल्हा तो खुद ही जल उठा और कितने सारे पकवान भी दिए। आओ पिताजी, आप भी पेट भर कर खा लो। अपने घर में हो रहे जादू शुभांगी को हैरत में डाल देते हैं। आखिर ये सब कैसे हो रहा है? क्या मुझ गरीब के घर को जादूगरी ने घेर लिया है? शुभांगी अभी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने कोढ़ से भरी एक बुढ़िया प्रकट होती है, जो अचानक से देवी का रूप धर लेती है, जिसे देखकर शुभांगी घुटनों पर बैठकर देवी को प्रणाम करती है। प्रणाम देवी, मगर आपने उन कौड़ी अम्मा का रूप कैसे लिया? सुभागी, वो तो बस एक रूप था, सिर्फ तुम्हें थाहने की। तुम्हारा घर अब जादुई घर बन गया है, जिसमें तुम्हारी हर आशा पूरी होगी। तथास्तु। जैसे ही देवी गायब होती है, पुली पर पड़े जगधर के घाव पर मंडरा रही मक्खियां अचानक फूल बनकर गिरने लगती है और अचानक जगधर उठ खड़ा होता है। तभी अतीत के पर्दे के पीछे छुपी बुरी यादें उसकी आंखों पर झांकने लगती है, जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। जगधर का घर गांव से बाहर था, जिसका कारण था उसका मरे हुए लोगों का क्रियाकर्म करना। इसलिए पूरा गांव समाज उसे और उसके परिवार को घिन की नजर से देखता था। सुभागी, परी का ख्याल रखना, मैं गांव जा रहा हूँ। अजी, मगर तुम तो जानते हो ना कि गांव वालों ने हमें गांव में घुसने से मना किया है, वो हमसे घिन करते हैं। सुभागी, ये जिल्लत तो हमारी पीढ़ियों ने भोगी है, क्योंकि ये समाज अंतिम संस्कार करने वाले गरीबों से नाता नहीं रखते, मगर इनके घर के दान से ही हमारी रोजी रोटी चलती है। जगधर अपने कांधे पर झोला लटकाए गांव आकर सभी के दरवाजों के आगे खड़ा होकर दान मांगता है। इस गरीब की झोली में दान डालो। अरे ओ गरीब चांडाल, मुखिया जी ने तुझे इस गांव में लात रखने से भी मना किया था ना, फिर भी तू मुंह उठाकर चला आया। दिन रात चिताएं जलाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चौखट पर चढ़ने की? अगर सभी समाज में मनमर्जी की जिंदगी जिएंगे तो आखिरकार कौन करेगा मुर्दों का दाह संस्कार? अब गांव ने मुझ गरीब को यही जिम्मा सौंपा है, तो इसमें मेरा क्या दोष? तेरी ये मजाल तू गरीब चांडा ला के जुबान चलाता है, ठहर तू। सविता चिल्ला चिल्ला कर गाँव के पूरे लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सभी जगधर को लाठी की मार मारने लगते हैं। अरे मुझ गरीब पर तरस खाओ, अरे मुझे जाने दो, अरे मैं बाल बच्चेदार हूँ, जाने दो, मत मारो। कान खोल कर सुन ले जगधर, अगर दोबारा इस गांव के भीतर नजर भी आया तो आएगा तो तू दो पांव पर, लेकिन जाएगा चार कंधों पर, और तेरे साथ तेरी बीवी और बच्ची को घर समेत फूंक देंगे हम लोग। समझ में आया तुझे? तो भाग यहां से। जगधर जैसे तैसे लड़खड़ाते लंगड़ाते हुए अपने टूटे फूटे घर में पहुंचता है। उस दिन के बाद से वो फिर कभी गांव में नहीं जाता। ऐसे में गांव से मिलने वाले दान का दाना पानी रुक जाने के बाद उनके घर की हालत इस कदर बुरी हो जाती है कि वो दाने दाने के लिए दुबर हो जाते हैं। तभी एक दिन जगधर के पास घीसू, जो कि उसका पुराना दोस्त था, उसके घर के चौखट पर कुछ राशन रख जाता है। ई ले जगधर, ये राशन से खाना पका कर खा लो। शुक्रिया घीसू। सुभागी उस राशन से खाना बनाती है। तभी कोढ़ से पीड़ित एक बुढ़िया उसके दरवाजे पर आती है। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मदद करो, मुझ कोड़ लगी बुढ़िया की, कोई नहीं पूछता, ना मेरे पास घर है ना ठिकाना, भूख भी लगी है। अरे अम्मा, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। सुभागी और जगधर उस बुढ़िया के कोड़ का इलाज करते हैं और ये सिलसिला कई रोज तक चलता है। फिर एक दिन, शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा कोड़ का रोग छूट गया, भगवान तुम्हारे घर को आबाद रखे। ये कहकर बुढ़िया चली जाती है, मगर शाम के ढलने तक जगधर का शरीर फफोलों से भर जाता है, मगर उसकी आशा नहीं टूटती। यही फल था कि बुढ़िया बनकर आई देवी उनके घर को जादुई घर के वरदान से भर देती है। माँ, क्या ये जादुई घर मुझे कपड़े दे सकता है? देखो ना, मेरे सारे के सारे कपड़े फटे पुराने हैं, अब ये मुझे बिल्कुल भी नहीं भाते हैं। जादुई घर, क्या तुम परी को कपड़े दोगे? परी की इतना कहते ही जादुई घर के छत से खूब सारे सुंदर कपड़े की बौछार लग जाती है, जिसे देखकर परी खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, जादुई घर, तुम तो बिल्कुल अलादीन के चिराग के जैसे कमाल करते हो। सुभागी, अरे हमारे इस घर की छत जो है एकदम कमजोर हो गई है,
और काहे ना हम इस घर का जो है नया सिरा से को न्यू रखें, हैं? ऐ मेरे जादुई घर, क्या तुम हमारे इस गरीब घर को नया बना सकती हो? जगधर के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा फूस का कच्चा घर एक सुंदर से आशियाने में बदल जाता है, जिसमें जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी। इस तरह से जादुई घर से ना सिर्फ जगधर और उसके परिवार की भुखमरी खत्म होती है, बल्कि उनके सर पर पक्की छत भी आ जाती है। अजी देखो, हमारा घर कितना सुंदर बन गया, अब हमें गरीबी में दिन रात नहीं बिताना पड़ेगा। सुभागी अभी ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी गांव की बड़ी भीड़ उनके घर की ओर चली आती है। अरे क्या बात है, आप सभी अचानक से यहाँ? गांव में सब ठीक तो है? सविता रोते हुए जगधर को सारी बातें बताती है। हमें तुम पर वो जुल्म नहीं ढाना चाहिए था, शायद हमारा गांव उसी का फल भोग रहा है। सभी खेत खलिहान सूख गए हैं, अनाज के भंडार भी खाली हो गए, हम सभी को दाने दाने पर आफत हो गई है। आप सभी चिंता मत कीजिए, मेरे रहते ये गांव भूखा नहीं रहेगा। जगधर पूरे गांव को जादुई घर के पास लाकर उसे खाना मांगता है। ऐ मेरे जादुई घर, मुझे इसी पल खूब सारा खाना दो, मेरा गांव भूखा है। इसी के साथ जादुई घर से खूब सारा स्वादिष्ट स्वादिष्ट खानों से भरी थालियां उसके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर सभी चौंक उठते हैं। अरे ये कैसा जादुई घर है, इसके भीतर से आदमी की बजाय खाना निकल रहा है। इतना ही नहीं अंकल, हमारा जादुई घर अपने आप में अनोखा घर है। ये घर खुद ब खुद साफ हो जाता है, यहाँ तक कि चूल्हे पर बिना आंच के खाना भी बन जाता है, और भी बहुत कुछ, क्योंकि हमारे घर की नींव हमारा ईमान है, जिसे हमने बुरे समय में भी बचा कर रखा। हमने अपना ईमान नहीं खोया, इसीलिए ये सब पाया। छोटी सी परी के शब्द सभी के लफ्जों पर लगाम लगा देते हैं, जिसके साथ गांव की भूखी भीड़ पेट भर कर खाना खाती है। ये वही गांव के लोग थे जो कल तक जगधर को चंडाल कहकर उसे चीखते चिल्लाते हुए अपनी चौखट से भगाया करते थे, उसे मारने पीटने में भी पीछे नहीं हटते थे। मगर जगधर और उसके परिवार की यह अनोखी पहचान जादुई घर की देन है, जिसने सभी की सोच को उस दिन नया बदलाव दिया था।